नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं अपने मित्र के खेत में दोस्तों, जिसमें हम बात करने वाले हैं खरपतवार के बारे में दोस्तों, धान की। अगर आपने भी धान लगाई हुई है दोस्तों, तो आप भी देख सकते हैं कि आप कौन सी घास को मार सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने चलो, मैं अपने किसान को सामने लाते और आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या डला है, क्या नहीं डला है। जय राम जी किसान भाइयों, ये हमारी धान की फसल है और इसमें लगभग ये 30 दिन के आसपास की इसकी रोपाई हो चुकी है जी। और खरपतवार से हम काफी परेशान थे। इसमें देखो ये जो छोटे वाले खरपतवार दिख रहे हैं आप जी, ये कौन से खरपतवार है? ये काफी जिद्दी प्रकार के हैं। इसको हम देसी भाषा में मथाना है जी, चौड़ी पत्ती के कुछ है, चरपोटा है जी, मोथा घास है जी, और चौड़ी पत्ती के कुछ और भी अन्य खरपतवार है। जैसे कि इसको ये बेला वाली घास है ना, ये बेला वाली घास है और ये इसी प्रकार के है ना, और ये मथाना हो गया। और इसमें क्या वगैरह काफी प्रकार है, चिनवाई भी है, समेल भी है ना, तो आप इसमें क्या क्या डाली है, कितनी मात्रा में डाली है, सब बताएंगे विस्तार पूर्वक। हमने जो एक टैंक आता है पेट्रोल वाला 25 लीटर वाला जी, तो उसमें हमने 40 ml ग्रीन लेवल डाली है जी, और 20 ml विप सुपर का यूज किया है, 15 से 20 ml 2,4-D 58% वाली जी, और इसके साथ में जो चौड़ी पत्ती का जो पाउच आता है ग्रीन मिक्स 100 रुपए वाला जी, वो 8 गिलास मतलब एक एकड़ का आने के बाद में एक गिलास का घोल उसमें पंप में यूज करा है जी। तो ऐसे प्रकार के, और बारिश पे दवाई फैल ना हो इसलिए अपन ने छिपको का इस्तेमाल करा है, और रिजल्ट आपके सामने है। ये बहुत आप देख सकते हैं, हालांकि धान की ग्रोथ थोड़ी रुक गई है, लेकिन दोस्तों धान की ग्रोथ ऐसी रुकी है कि धान पीली नहीं पड़ी है, धान की हाइट रुकी है सिर्फ, लेकिन धान पेड़ बराबर कर रही है, मतलब हाइट रुकी हुई है लेकिन एकदम पेड़ ऐसे कर रही है शानदार। आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना दोस्तों। इसमें समेल वगैरह कोई अन्य घास तो नहीं बचा हुआ ना दोस्तों? नहीं नहीं किसान भाइयों, इसमें कोई भी प्रकार का कोई भी चारा नहीं बचा है, मतलब ये सभी प्रकार के पूरे तरह नष्ट है। ग्रीन लेवल में कंटेंट क्या होता है वैसे बता दे किसान भाइयों को, ताकि सोडियम जो 10% आता है जी, उसके नाम से आप कोई भी टेक्निकल का, मतलब ये टेक्निकल का कोई भी आप खरपतवार यूज कर सकते हैं। ओमनी स्टार आता है, ओगरी स्टार का जी, और अडोरा आता है जी, एक नोमनी गोल्ड आता है, ऐसा कोई भी आप टेक्निकल इसका यूज कर सकते हैं, जिसमें बिस्पायरोबैक सोडियम 10% जी, मतलब आपकी धान भी नहीं बैठेगी। हाँ। और रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलने वाला है ना। हाँ, लेकिन किसान भाइयों धान की ग्रोथ रुकेगी, इससे आप घबराए नहीं, जैसे ही ये इसका दवाई का असर खत्म होगा उसके बाद ये अच्छे कल्ले करके बढ़वार करेगी जी। ठीक किसान भाइयों, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। जय राम जी। जय राम जी।